सिद्धार्थ लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो, प्रत्येक 10 रुपए के 20,000 अंशों के लिए 2 रुपए प्रति अंश के प्रीमियम पर प्रार्थना पर आमंत्रित करें, ठीक है? स्टेटमेंट बनाना है। 20,000 शेयर्स का है, 4 रुपीज 10 ईच, है ना? 20,000 शेयर्स कितने रुपए वाला है? 10 वाला है। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है? 2। अलॉटमेंट पे कितना ले रहा है? 5। फर्स्ट कॉल पे ले रहा है 3 और सेकेंड कॉल पे ले रहा है 2। टोटल देखो, 2 और 5 7 और 5 12 रुपए। ये भी देखो, 10 + 2 था 12। अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है, इट मींस ये 2 का 2 ही हुआ। प्रीमियम इंक्लूडेड है तो ये 3 + 2, ये 3 और ये 2, तो ये देखो ये पूरा का पूरा हो गया 10 और ये हो गया 2 अपना प्रीमियम। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रहा है? 30,000 शेयर्स के लिए। और अलॉटमेंट किया गया है प्रोराटा टू द एप्लीकेशन ऑफ 24,000 शेयर्स, ठीक है? इसका मतलब टोटल कितना मिल रहा है? 30,000। और प्रोराटा कितने पे कर रहे हैं अपन? 24,000 पे। इसका मतलब हमने 24,000 वालों को 20,000 शेयर दिए, नेक्स्ट देखो क्या दिया है। एंड जो 6,000 शेयर्स पे मनी आया था वो फुल्ली वापस कर दिया, पेड बैक। तो ये हो गया देखो 30,000 का हिसाब, ये हो गया 20,000 का हिसाब। नेक्स्ट देखो, एक्स टू हूम 400 शेयर्स वर अलॉटेड। एक्स था जिसको 400 शेयर्स अलॉटेड हैं, मतलब इतना उसको फाइनल मिला। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन ए सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। एक्स जिसे 400 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन राशि चुकाने में असफल रहा और बाद में उसकी प्रथम मांग का भुगतान करने की असफलता पर उसके अंशों का हरण कर लिया गया। तो देखो, एक्स ने अलॉटमेंट पे नहीं किया प्लस फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और इसलिए बाद में उसके शेयर्स को क्या कर लिए गए? फोरफीट। तो देखो, सेकंड कॉल भी नहीं गया था, है ना? इसको फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट। तो इसके टाइम पे शेयर का कितना पैसा मंगवाया गया? देखो, 2 और 3 5 और 3 8, तो 8 रुपए कॉल्ड अप थे और 2 रुपए किसके थे? प्रीमियम के। पर सेकेंड कॉल अभी बुलाया नहीं है, याद रखना। तो जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है वही शेयर कैपिटल में जाएगा, किसमें? फोरफीचर में। मैं ये हर बार बोलती हूँ कि आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कि जब शेयर फोरफीट कर रहा है तो उस समय तक कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए थे। नेक्स्ट देखो, वाई द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। एक वाई है, उसने उसके पास 600 शेयर्स हैं, उसने क्या नहीं पे किया है? कॉल मनी, यानी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल दोनों, और उसके बाद इसके शेयर्स को फोरफिट किया। देखो क्लियर कट लिखा है, प्रथम जैसे एक्स का देखोगे तो प्रथम मांग का भुगतान करने की असफलता पर उसके अंशों का हरण कर लिया गया। सेम वाई के लिए द्वितीय मांग के बाद उसके भी अंश का हरण कर लिया गया, इट मींस आफ्टर सेकेंड कॉल इसके फोरफिट हुए। तो इसके टाइम पे तो पूरा का पूरा सेकेंड कॉल तक पैसा मंगवाया है, यानी पूरा का पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप किया, तो इसलिए जो शेयर कैपिटल है वो कितने से जाएगा? 10 रुपए से। इसके में ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड 800 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड। अब देखो टोटल कितने फोरफीट हो रहे हैं शेयर्स? इधर 400, इधर 600, 1,000।
इसमें से 800 शेयर्स क्या हो रहे हैं, जेड को ये लोग रीइश्यू कर रहे हैं। आगे देखो, द होल ऑफ एक्स शेयर कितने रुपए में, 9 रुपए में। तो एक्स का जो शेयर है उसमें पूरा का पूरा इंक्लूडेड था, मतलब इस 800 में एक्स के 400 पूरे के पूरे इंक्लूडेड हैं। देखो लिखा है, पुनर्निर्गमित अंशों में एक्स के संपूर्ण अंश शामिल थे। तो अगर एक्स के 400 शामिल थे तो वाई के कितने शामिल होंगे, 400। और एक्स के फोरफिट कितने हुए थे, 400, और वाई के हुए कितने थे एक्चुअली में, 600। तो ये समझ में आया रीइश्यू वाला? यस मैम। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव्ड हो रहा है, 24,000 शेयर्स वालों को कितना दिया, 20,000, और 6,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया। ये एप्लीकेशन मनी कैसे रिसीव्ड हो रही है, देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो 24,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना मिला, 48, और 6,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 12,000। ठीक, फिर एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट कर रहा है, इसमें से 40,000 ही रखेगा किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए जो शेयर कैपिटल में जाएगा, बाकी जो बचेगा कितना, 8,000, वो कहाँ चले जाएगा, अलॉटमेंट में। और ये जो 12 का 12,000 है ये पूरा का पूरा रिफंड। ये हो गया 30, ये हो गया 20। अब एक्स का देखो, इसको कितने शेयर्स अलॉटेड हैं, 400 शेयर्स अलॉटेड थे, यानी इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, सोचो जब 24,000 वालों को 20,000 शेयर्स मिल रहे हैं, है ना, तो इसको कितने मिले हैं शेयर्स, 400 मिले हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, बताई हूं ना मैं आप लोगों को फॉर्मूला बनाना, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाई थी उसमें पुट कर देना, 24 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 400। देखो फॉर्मूले में लिखवाई थी ना, जब अलॉटेड गिवन हो और अप्लाई निकालना है, प्रार्थी कितने का था वो निकालना हो, तो फॉर्मूले में क्या लिखते हैं अपन, शेयर्स अप्लाइड अपॉन शेयर्स अलॉटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट, यही फॉर्मूला लिखवाई थी जब है ना, जब अप्लाई निकालना हो तो। तो ये आ गया 480। आ रहा है 480? यस मैम। तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 480 शेयर्स के लिए, और इसको कंपनी ने दिए कितने, 400। तो इसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पे किया होगा, 480 इंटू 2 करो, 960। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन का कितना था, 400 मिला, तो 400 के हिसाब से 2, इसको 800 मिला था, तो इसका जो 160 है वो किस में चले गया था, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा इसका। प्लस अब इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, तो अलॉटमेंट मनी इसको 400 शेयर के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से कितना पे करना था, 2,000 रुपए। इसका एडजस्ट वाला कितना आया है, 160। तो इसने कितना नहीं पे किया, नॉट रिसीव्ड अलॉटमेंट में, 160 माइनस कर दो 2,000 में से,
1840. इसने इतना पे नहीं किया. यहां तक समझ में आया? यस मैम. ठीक है, चलो एंट्री बनाते हैं. फर्स्ट वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो हमको एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही है? 30,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 60,000 रुपए. सेकंड देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर बैंक सॉरी टू बैंक अकाउंट शेयर नहीं देखो कैपिटल में कितना जाएगा? ये 40,000. अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 8,000. ये देखो, और 12,000 बैंक से रिफंड जा रहा है. कभी कभी आपके बुक में सिंगल सिंगल एंट्री देता होगा. एक एंट्री बनाएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40, एक बनाएगा शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 12, और ये जो अलॉटमेंट वाली एंट्री है ना, ये अलॉटमेंट के टाइम पे दिखाएगा. तो दोनों वे सही है, तरीके कोई डिफरेंस नहीं है. अब प्रीमियम की एंट्री करेंगे. देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो 2 रुपए देखो प्रीमियम का, 3 रुपए शेयर का, ये ओवरऑल हो गया 5 रुपए. तो 20,000 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,00,000. तो 20,000 इंटू 3 60,000, और 20,000 इंटू 2 40,000. फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो देखो ओवरऑल 1,00,000 मिलने वाला था, में से ये वाला एडजस्ट हो चुका है. शेयर अलॉटमेंट कितने का? 8,000 का. और इसने भी नहीं दिया. किसने? एक्स ने. कितना? 1,840. तो टोटल करो कितना आया? 90160 बैंक अकाउंट में आएगा. ठीक है, अब देखो एक अल्टरनेट एंट्री बता रही हूं. सपोज, सिर्फ समझो, ये वाली जो एंट्री है ना, सेकंड वाली, इसके बदले में बता रही हूं. अगर हम इस एंट्री में सिंगल सिंगल एंट्री करती, मैं सपोज जिसमें इसमें एंट्री करती शेयर एप्लीकेशन टू, ये देखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करके 40 छोड़ देती, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक करके 12 छोड़ देती, और मान लो अलॉटमेंट में इसमें नहीं दिखाती, तो यहाँ पे मैं कैसे शो करती अलॉटमेंट को? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, और मैं इसमें दिखाती 90160, इसमें दिखाती मैं 8,000, और ये होता 98160. आ रहे समझ में? अगर मैं यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिखाती हूँ तो मैं यहाँ पे फिर ये वाली एंट्री करूंगी. रफ करूं एंट्रीज? बताओ, क्लियर करूं? यस मैम.
चलो कॉल मनी की ड्यू एंट्री करो, देय राशि। चलो क्या एंट्री होगी अब, ड्यू वाली एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितना है, 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 इंटू 3 करो तो कितना आएगा, 60,000। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो एक्स कितने शेयर्स थे उसके पास, 400, और इस समय वाई भी है, वो भी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे रहा है। ये देखो मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, Y भी फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है और X ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो Y के पास कितने शेयर्स थे, 600, और X के पास थे 400, तो टोटल 1,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आया, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, यानी 3,000 नहीं आया। तो 60 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 57। किसी को डाउट है इस एंट्री में? नो मैम। सेवन देखो शेयर, अब देखो अब क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट कॉल के बाद ही एक्स के शेयर्स को क्या कर दिया है, फोरफीट कर दिया है, तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। अब अपनी सेवेंथ एंट्री होगी शेयर फोरफीट की, किसकी, एक्स की, उसके बाद हम ड्यू करेंगे किसका अमाउंट, वाई का, सेकेंड कॉल का। देखो क्वेश्चन में बोला था क्लियर कट, तो देखो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू इसने क्या पे नहीं किया था, अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और देखो सेकेंड कॉल इसको नहीं लिखेंगे इसके में, क्योंकि इसके में अभी तक कॉल किया ही नहीं है सेकेंड कॉल। अब इसमें देखो जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा, क्योंकि प्रीमियम वाला था और इसने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया था। अब देखो यहां पे वर्किंग नोट बता रही हूं मैं, ध्यान से देखना, मैंने यहां पे क्लियर कट लिखा है 8 रुपए कॉल डेट किया है, सेकेंड कॉल बुलाया नहीं था इसके टाइम पे, यानी 8 रुपए बुलाया था, तो मैंने यहां लिखा था 2 रुपए प्रीमियम, तो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू फोरफीचर, ये भी लिखा है, तो फोरफीचर वाले में कि ये फोरफीचर एंट्री है ना, ये वाले फोरफीचर में नहीं जाएगा, तो 8 रुपए किस में जाएगा, कैपिटल में। कितने शेयर्स थे इसके पास, 400 शेयर्स, तो 400 इंटू 8, 10 रुपए नहीं देंगे क्योंकि सेकेंड कॉल अभी तक कॉल नहीं गया था, तो ये हो गया 800 × 4 = 3200। नेक्स्ट देखो प्रीमियम कितने का था, 2 रुपए का था, तो 2 रुपए के हिसाब से कितना हुआ प्रीमियम का, 800 रुपए, ये 2 रुपए के हिसाब से है ना, 400 × 2।
अब देखो, इसने फर्स्ट कॉल में कितना पे नहीं किया था, 400 शेयर्स का इनटू 3 के हिसाब से देखेंगे, कितना था 1200। अलॉटमेंट में इसने कितना पे नहीं किया था, देखो यहां लिख के दिया था मैंने 1840, ठीक। और फॉरफीचर में कितना आएगा इसका, यहां पे देखो इसने 480 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 2 रुपए के हिसाब से, कितना यानी इसने 960 टोटल करके देखो सेम आएगा, आया कि नहीं। किसी को डाउट है कहीं, किसी भी एंट्री में पूछो जल्दी से अगर किसी को डाउट हो तो। ठीक है मैं रफ कर रही हूँ, यहां से रफ कर रही हूँ, ठीक है। यस मैम। अब एट्थ एंट्री, सेकेंड कॉल को ड्यू करो, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स थे वाई के पास, देखो अब 20,000 शेयर्स थे, 20,000 में से 400 तो फोरफिट हो गए एक्स के, तो शेयर्स बचे कितने अभी 19,600 शेयर्स, ठीक है। और सेकेंड कॉल का अमाउंट था कितना 2 रुपए, तो 19,600 को 2 से ड्यू करोगे तो 39,200 आएगा। नाइन्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, तो 19,600 में से वाई के पास 600 कितने शेयर्स थे 600, तो उसने 600 वाले शेयर्स पे इसने पे नहीं किया, 19,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से आ रहा है अपने पास 38,000। ये देखो ये वाई ने पे नहीं किया, नॉट पेड, है ना। और ये 19,600 कैसे आया था, ये एक्स के जो फोरफीट हो गए थे वो माइनस। अब यहां तक हो गया, अब टेंथ एंट्री बनाएंगी, Y के जब शेयर्स क्या हो रहे हैं फोरफीट हो रहे हैं, इसने अलॉटमेंट पे कर दिया था, अलॉटमेंट का अमाउंट एडजस्ट हो चुका है शेयर एप्लीकेशन वाला, तो चुपचाप इसके शेयर्स फोरफीट करेंगे। इसने अलॉटमेंट दे दिया था, इसने कोई प्रीमियम रिजर्व वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल। शेयर कैपिटल इसके टाइम पे पूरा 10 रुपए कॉल किया था, देखो 10 रुपीज कॉल्ड अप लिखा है, तो शेयर कैपिटल भी कितने से जाएगा 10 रुपए से, तो कितने शेयर से इसके पास 600 इंटू 10 से करेंगे 6,000। फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं किया इसने 3 रुपए के हिसाब से, 600 इंटू 3 1800। सेकेंड कॉल में 2 रुपए से नहीं किया, 600 इंटू 2 हो जाएगा ये 1200। तो इसने पे कितना किया था 2 और 3, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, और कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट बैलेंस निकाल लेना, ये हो जाएगा 3,000। इस एंट्री में किसी को डाउट है फोर फीचर वाली में तो पूछो।
चलो रीशु की एंट्री करते हैं जल्दी से। रीशु की एंट्री करते हैं अब। देखो कितने रीइशू कर रहे हैं, 800 शेयर्स, कितने रुपए में, 9 रुपए में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपए से कर रहे हैं, यानी 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट में, तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगा 1 रुपए से। 2 शेयर कैपिटल कितने का, 10 रुपए का, कितने शेयर कर रहा है ये, 800। तो 800 10 से हो जाएगा 8000, और ये 800 × 9 72, और ये एक के हिसाब से ये 800। तो ये हो गया शेयर फॉर फ्यूचर। अब देखो मेन एंट्री है शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, इसको समझना ध्यान से एक ही बार में सब। मैंने एक बार पहले भी इस टाइप का करवाया है कि x का 400 में से पूरा 400 लिया, ठीक, और फोर फीचर अमाउंट निकालो, 400 का कितना था फोर फीचर अमाउंट, जब शेयर फोर फीचर वाली एंट्री किए थे x का, तो उसका फोर फीचर अमाउंट कितना था, 960, ठीक। तो इसमें हम इसका कितना अमाउंट यूज करेंगे, पूरा का पूरा, यहाँ पे कितना अमाउंट यूज किया है हमने, सिर्फ 800 रुपए, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट देखो और वाई को देखो, वाई का 600 में से कितना शेयर रीयूज कर रहा है बताओ, 400 शेयर यूज कर रहा है, एक्स का पूरा रीइश्यू हो रहा है ना, वाई का 600 में से कितना रीइश्यू हो रहा है, सिर्फ 400। तो पहले वाई के लिए वो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला बताई थी ना, क्या बताई थी बताओ, टोटल क्रेडिट अमाउंट ऑफ फोर फीचर वाला बताई थी ना एक फॉर्मूला, yes, क्या बताई थी फॉर्मूला बोलो, रिवाइज करो जल्दी से। Share apply upon share allotted into number of share allotted. ए, हर बार उल्टा फॉर्मूला कौन बताता है मेरे को, जब allotted वाला पूछती थी तो four feature वाला, आज four feature पूछ रही हूँ तो allotted वाला बता रहे हैं। कृष्णा तुम बताओ बेटा, है क्या कृष्णा क्लास में? मैम क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर अकाउंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फोर फीचर इंटू में नंबर ऑफ शेयर reissued minus share for future amount, हाँ, बस credit balance of for future amount, ठीक है, ये किसका, जिसका, जैसे अपन ये y का है तो अपन सिर्फ y वाला use करेंगे, of y upon total number of forfeited shares, ठीक है, into number of reissue shares माइनस यूज्ड अमाउंट रहता है इसमें। देखो तो क्रेडिट बैलेंस कितना था वाई का फोर फीचर का अमाउंट देखो 3000 था, उसके शेयर फोर फीट कितने हुए थे 600, रीइश्यू कितने हुए उसके 400। चलो बताओ कितना हुआ, 2000, ठीक है, माइनस यूज कितना कर रहा है अमाउंट बताओ, बताओ